Hello, Modern Champs. How are you all, beta? I hope you all are very well, right? This is your math video. Let's see what we will do. This is your revision work first. Okay, revision work first. तो बेटा देखिए हमें revision work first में क्या करना है. Math की video में भी हम revision work first और second दोनों को merge करके आज फिर से revise करेंगे क्योंकि Monday को आपका monthly test शुरू होगा. ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है. बेटा इससे पहले की वीडियो में मैंने लेस देन, मोर देन और इक्वल आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो आज की वीडियो में हम फिर से करते हैं. बेटा देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 और 6 में ज़्यादा कौन सा है, 6. तो यहाँ पर हम मोर देन का साइन लगाएंगे. ये जिधर माउथ ओपन रहता है वो मोर देन होता है, जिधर माउथ बंद रहता है वो लेस देन होता है. ओके, सो 2 is less than 6. ओके बेटा, 2 छोटा है तो उसकी साइड माउथ क्लोज रहेगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन इज, दिस इज 5 एंड दिस वन इज 3. ओके बेटा, 5 3 से ज़्यादा है तो यहाँ पर मोर देन का साइन लगेगा, यहाँ पर माउथ ओपन रहेगा. ओके बेटा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज 4 एंड दिस इज 7. ओके, 4 इज़ लेस देन 7. बेटा 4 7 से कम है. ओके, तो इधर जो साइन लगेगा वो लेस देन का लगेगा, मींस माउथ क्लोज रहेगा. ओके, फिर नेक्स्ट वन इज, दिस इज 8 एंड दिस वन इज 6. 8 इज़ ग्रेटर देन 6. ओके, 8 6 से बड़ा है तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा. ठीक है, माउथ ओपन. फिर लास्ट वन इज 9 एंड 9, बोथ आर इक्वल, राइट, दोनों बराबर हैं तो कौन सा साइन लगेगा, इक्वल का. ओके, समझ में आ गया आप दोनों को. आप सब लोग देखिए इसको अच्छे से समझिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल क्या होता है. ओके, फिर आप इसको कॉपी में राइट करिएगा और कोई भी बच्चा पुराना वर्क सेंड नहीं करेगा. आप जितनी बार बेटा राइट करेंगे उतनी बार आपको तैयार होगा, है ना. आप समझ पाएंगे कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल की साइन कैसे लगाई जाती है. ठीक है, फिर देखते हैं रिवीजन वर्क सेकंड में क्या करना है. रिवीजन वर्क सेकंड बहुत ही इजी दिया है मैंने. रिवीजन वर्क सेकंड है राइट नंबर नेम 11 to 15, है ना, इजी है ना. 11, 12, 13, 14, 15, बस 5, 11 to 15 आपको स्पेलिंग लिखना है. ठीक है, क्या है, चलिए स्पेलिंग पढ़ लेते हैं एक बार. 11 की स्पेलिंग क्या है, ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEEN 13, FOURTEEN 14, FIFTEEN 15, है ना बेटा. 11, 12, 13, 14, 15. ओके, तो ऐसे ही आपको करना है. आई नो आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप सभी लोगों को नंबर्स नेम बहुत अच्छे से तैयार है ना, और आप सब मंथली टेस्ट में बहुत अच्छा वर्क करेंगे ना, सबको 10 out of 10 चाहिए, है ना बेटा. तो सारे बच्चे अपना मंथली टेस्ट बहुत अच्छे से देंगे, दोनों रिवीजन वर्क 5-5 marks के हैं, राइट, तो आपको 10 out of 10 ज़रूर मिलेगा. ओके बेटा, और एक चीज़ और, आप सारे बच्चे अपना मंथली टेस्ट बहुत ही नीट और क्लीन, बहुत अच्छे, कुछ बच्चे हैं इतना अच्छा लिखते हैं, इतना क्लीन लिखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो UKG के बच्चे हैं. मींस बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग है उनकी. सारे बच्चे कोशिश करेंगे वैसे ही लिखने की. ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा.